शिक्षा का अधिकार हर किसी को है, हर तबके को है, अमीर हो या गरीब। हर कोई पढ़ना लिखना सीखे, इसके लिए शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन कानून बनाकर लागू किया, जिसमें यह भी प्रावधान किया गया कि निजी स्कूल या गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल अपने स्कूल में 6 से 14 वर्ष की आयु के आर्थिक रूप से कमजोर या वंचित समुदाय के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित रखेगी। ऐसे बच्चों को अपने पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह कानून हर एक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त करवाता है। इसके लिए बच्चों से प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल में फीस या यूनिफॉर्म, पुस्तक, मध्यान्ह भोजन, परिवहन शुल्क नहीं लिया जाना है। प्रावधान तो है, क्या वाकई में इस नियम का अनुपालन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हजारीबाग के निजी स्कूल में तो ऐसा नहीं हो रहा है। नियम कानून ताक पर रखकर जिला के निजी स्कूल लगातार मनमानी कर रहे हैं। लगातार आवाज़ उठाने के बाद भी निजी स्कूल टस से मस नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे बहुत सा कुछ नामचिंद स्कूल है जो उसको नहीं मानते, ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, हम इसको नहीं मानेंगे, जबकि वो CBSE से उनका मान्यता प्राप्त है और CBSE का ये सर्कुलर है कि आप हमसे संबद्धता लिए हैं, मान्यता लिए हैं, तो आपको RTE कानून को पालन करना होगा और 25% बच्चों को पढ़ाना होगा निःशुल्क। जैसे JBR स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा है, होली क्रॉस से पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि पहले इसको पालन कराने के लिए सरकार के पास व्यवस्था नहीं था, अब तो उपायुक्त हजारीबाग इसका अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, चाहते हैं कि इस कानून को सख्ती से सभी विद्यालयों में लागू करवाया जाए। कुछ एक स्कूल ही है जहाँ शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। CBSE कोऑर्डिनेटर भी इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं कि कई निजी स्कूल इसका पालन नहीं कर रहे हैं। निजी स्कूलों की अक्सर यही दलील रहती है कि झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के आने से उनके स्कूल का माहौल खराब होगा और दूसरे बच्चों पर बुरा असर होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उनकी तरफ से कोशिश होगी कि राइट टू एजुकेशन का पालन निजी स्कूलों से करवाया जाए। मेरा पहला दायित्व है कि जब प्रिंसिपल स्ट्रोक की मीटिंग होगी तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा। है उसमें ड्यूटी केवल एग्जामिनेशन करवाना, इवोल्यूशन कराना CBSE का है, लेकिन उस दायरे से हट के मैं सहोदय का प्रेसिडेंट भी हूं। मैं प्रिंसिपल से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जो भारत सरकार का नियम है, मानदंड है 25% पढ़ाने का, उसको पढ़ाना चाहिए। हमारा दायित्व है, बदलनी है, बदलना पड़ेगा। उन गरीबों को, हैप्स नॉट को भी हमको, अगर स्कूल का एप्लीकेशन CBSE से लिए हैं और प्राइवेट अपने आप को सम्मानित होना चाहते हैं समाज में, तो उसको पढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इस बाबत जिला शिक्षा विभाग शिकायत पर कार्रवाई तो करती है। उनके हिसाब से अधिनियम सकारात्मक तो है, लेकिन सख्ती के बजाय वो नसीहत देते हैं कि सभी स्कूल राइट टू एजुकेशन का पालन करें। 19 जो विद्यालय हैं रिकॉग्नाइज हैं प्राइवेट स्कूल, तो उन सारे विद्यालयों में आपको टोटल का जो नामांकित बच्चे होंगे उसका 25% जो है, वैसे डिप्राइव्ड क्लास के बच्चे जो BPL में हैं या जो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो उनका जो एडमिशन आपको लेना है, जो ये जो फर्स्ट मैंने जो आपका जो है क्लास का, ये क्लास 1 के बच्चे या फिर आपको LKG या UG के बच्चे जो हैं, ये सारे के सारे विद्यालयों में लागू हैं। सारे अगर कहीं किसी तरह की संज्ञान में आती है कि अगर इसका अनुपालन नहीं हो रहा है तो हमें इसका अनुपालन करना है, अगर शिकायत आती है तो हम लोग उसको निर्देश देंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। नए सेशन का एडमिशन हो रहा है, जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है कि शिक्षा का अधिकार उस तबके को मिले जो गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े हैं, क्योंकि शिक्षा हर किसी का मौलिक अधिकार है और ये उन बच्चों को भी मिलना ही चाहिए। गौरव प्रकाश, ETV भारत, हजारीबाग।